एजुकेशन इज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इंफाल पूर्व में स्थित निजी घर पर गुरुवार रात उपद्रवी हमला करने पहुंचे, लेकिन पुलिस ने उनको घर से करीब 500 मीटर पहले ही रोक लिया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागकर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। हमले के प्रयास के बाद सीएम के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच राज्य में जुलाई से लापता 2 मेतई स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज की तस्वीरें सामने आने के बाद हिंसा फिर भड़क गई है। बुधवार को राजधानी इंफाल समेत कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हुई। प्रदर्शनकारियों में बड़ी संख्या में छात्र शामिल थे। इस हिंसा में 50 घायल हुए हैं, जिनमें से ज़्यादातर स्कूली छात्र हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिन इलाकों में हिंसा भड़की है, उन्हें मणिपुर सरकार ने शांतिपूर्ण घोषित कर AFSPA से दूर रखा है। बुधवार को प्रदर्शनकारियों ने थोबुल जिले में BJP ऑफिस में भी आग लगा दी। उधर इंफाल में BJP अध्यक्ष शारदा देवी के घर पर हमला किया और मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का पुतला जलाया गया। इंफाल वेस्ट जिले में प्रदर्शनकारियों ने डिप्टी कलेक्टर के घर में आगजनी की कोशिश की। घर के कैंपस में खड़ी 2 कारों की आग लगा दी और खिड़कियों के कांच तोड़ दिए। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।